हरी जं कुंज बिहारी रे जं राधा माधव जं कुंज बिहारी रे राधा जय राधा माधव जय कुंज रि राधा नीत गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल

सब लोग प्रणाम करें <coughs> जय विष्णुपात परमहंस परिव्रज काचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमधी डिवाइन ग्रेस अभयचरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभु की जय लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सीवियर ऑफ दि होल वर्ल्ड जगद्गु श्रीला प्रभु पाद की जय नामाचार हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद नृ देव की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इकोन वर्तमानाचार्य वृंद की जय श्रीमती तुलसी सालीग्राम जलदान महामहोत्सव की जय श्री चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरियसोज ऑल ग्लोरिस्ट सीमेंट बोटीज ऑल ग्लोरियज बोटीज ऑल टू श्री गुरु एन गोरांगा हरे कृष्णा ये पंखा चलाना है या पंखा बंद करना है पंखा बंद कर दें कर दें अरे बोल ये पंखे बंद कर दीजिए पंखे बंद कर दीजिए सब पंखे बंद कर दीजिए अभी आवाज़ ठीक है सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ग्रंथ गीता था रूप जिनको लेना है ले लें हिंदी जो पढ़ने वाले हैं और यहाँ किताबें कुछ रखी हैं हाँ अतिरिक्त पुस्तकें रखी हैं ले लीजिए हिंदी जो पढ़ते हैं हाँ वो माता जी को दे दो पीछे उधर पीछे माता जी को दे दो तो गीता था रूप में अध्याय तेरह है अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या पंद्रह पृष्ठ संख्या चार सौ उनतीस फोर ट्वेंटी नाइन सबने निकाल लिया मेरे पीछे बोलिए इनको नहीं मिल रहा है इनको नहीं मिल रहा है? किसको नहीं मिला चार सौ उनतीस पेज नंबर Hmm. सब मेरे पीछे बोले <laughs> सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय एविभर्जितम असक्तम सर्व भ्रच्छेयम निर्गुणम गुण भोगत्रिचा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रियंविवर्जितम् असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृच सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तम सर्वृयो निर्गुणम गुण त्रिचार उनको अभी तक मिला नहीं आपको पूछना चाहिए ना पहले से है ना पूछते नहीं पहले मैं पूछ रहा हूँ किसको नहीं मिला है निकाल दो इनको ठीक है बोलिए और कौन बोले बोलिए नहीं नहीं ऐसे नहीं चौथाई हिस्सा पढ़ करके फिर सब लोग दोहराएंगे आप देखते नहीं और कौन बढ़ेगा बोलो हम्म और कोई और कोई माता जी माता जी यहाँ बोलोगे शब्दार्थ बोलिए सर्व समस्त इंद्रिय इंद्रियों का गुण गुणों का आभासम मूल स्रोत सर्व समस्त इंद्रिय इंद्रियों से विवर्जितम विहीन असक्तम अनासक्त सर्वभृत प्रत्येक का पालन करता चा भी एव निश्चय ही निर्गुणम, गुणविहीन गुण, विहीन, गुण गुणों का स्वामी चा भी अनुवाद मेरे पीछे बोलिए परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं वे प्रकृति के गुणों से परे हैं फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए भूमिका में पहला पेज पहले यहाँ धागा लगाओ जहाँ खुला है वहाँ धागा लगाइए सब लोग धागा लगा करके के हाँ धागा लगा करके पहला पेज निकालिए भूमिका में भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग उनको निकाल दो उनको नहीं मिल रहा पीछे नहीं मिल रहा है भूमिका में पहला पेज निकालिए किताब बदल लो हम्म सब लोग मेरे साथ बोलें ओम अज्ञान तिमिरांध स ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरोन्मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्नमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सः गणलललललललललललिता च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीन दीनबंधो जगतपते गोपेश का कांत। राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गोरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषानुसुते देवी हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण प्रभु कृष्णचैत प्रभो गदाधर श्रीवासादि गोर्भक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण

गौरवाणी प्रचारि ने निर्विशेषा सुनवादी पाशात देश तारी इस श्लोक फिर से निकालिए इस श्लोक को समझेंगे आज के श्लोक में भगवान ने चार नहीं, चार नहीं तीन तीन बिरु, तीन विरोधा हैं भगवान में तीन प्रकार के विरोधाभास हैं विरोधाभास का मतलब विरोधी गुण हैं पहला क्या है सर्वेन्द्रिय गुणाभास समस्त इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हैं समस्त विषयों इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हैं लेकिन विवर्जितम इस इंद्रियों से रहित सभी इंद्रियों से रहते हैं सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हैं है ना विरोधाभास है जैसे हा? हम आपको जैसे आप को हम कहते हैं भैया अभी देख नहीं रहे आपकी आंखें नहीं हैं क्या बोलते ना है अगर जैसे आप कुछ चीज़ नहीं देख रहे तो मैं क्या कहता हूँ आपकी आंखें नहीं हैं अगर आपकी आंखें नहीं तो आप कैसे देखेंगे नहीं अगर आपके कान नहीं है तो आप कैसे सुनेंगे अगर आपके हाथ नहीं तो आप कैसे पकड़ेंगे अगर आपके पैर नहीं तो आप कैसे चलेंगे है ना असंभव लेकिन भगवान में पहला विरोधाभास ये है कि इंद्रिया कोई नहीं है उनके पास और सभी इंद्रियों के जो है कार्य होते हैं उनके पहला विरोधाभास ये है दूसरा विरोधाभास असक्तम सर्वभृत अशक्त मतलब आसक्ति नहीं उनकी किसी में है और सबका भरण पोषण करते हैं विरोधाभास कोई माता होती है तो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है।, है कैसे करती है उसकी ममता होती है आसक्ति होती है तभी तो करती है जो पशु हैं पक्षी हैं है ना तो भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो एक उनके अंदर ममता रहती है है ना बिना उसके कोई पालन पोषण नहीं करेगा गाय बछड़े को जो है पालती है अपने बछड़े को पालती है क्यों एक वात्सल्य भाव होता है उसके अंदर पक्षी हैं हाँ अपने जो है मुंह का दाना जो है बच्चे के मुंह में डालते हैं जबकि उनके पेट में भूख की आग भूख की आग बनी है अपने मुंह का दाना बच्चे को डालते हैं क्यों एक वो होता है होता है और जैसे ही वो आसक्ति समाप्त हो जाती है तो पशु पक्षी अपने बच्चों को पाल नहीं पालते जैसे बछड़ा है बड़ा हो जाता है तो गाय का फिर स्नेह समाप्त हो जाता है अब वो बछड़े को दूध नहीं पिलाती है ना लेकिन भगवान में विरोधी गुण सबका भरण पोषण करते हैं लेकिन किसी में उनकी सकती नहीं है असंभव असक्तम सर्वभ्रचय ये दूसरे विरोधाभास और तीसरे विरोधाभास निर्गुणम गुण भोग कोई गुण नहीं है और सभी गुणों को भोगते हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं लेकिन सभी गुण का जो है वो भोग करते हैं सभी प्रकार के गुणों का वो भोग करते हैं जबकि कोई गुण नहीं है है ना तो हम सुनेंगे प्रभुपात तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की जय परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती हु? तो प्रभुपात क्या समझा रहे हैं हा? कि जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत भगवान है हा? जीवों की सब इंद्रियों के स्रोत मतलब कि हमारी जो इंद्रिय है कोई भी इंद्रिय है हमारी है ना तो वो इंद्रिय कार्य कैसे करती है क्योंकि तो भगवान क्योंकि तो भगवान के पास इंद्रिय है जैसे हम देखते हैं है ना तो हम कैसे देख पाते हैं क्योंकि भगवान देखते हैं इसलिए हम देख पाते हैं तो जब तक भगवान नहीं देखते हैं तब तो तक हम नहीं देख सकते तो भगवान जो है हमारी समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं हम सुनते हैं हम तो कैसे सुनते हैं कि तो भगवान सुनते हैं इसलिए तो हम सुन पाते हैं नहीं तो हम नहीं सुन सकते है ना उसी प्रकार से हम चलते हैं हम तो कैसे चलते हैं भगवान चलते इसलिए हम चल पाते हैं नहीं तो हम ही चल सकते हैं हम हाथ से पकड़ पाते हैं कैसे पकड़ पाते हैं तो भगवान पकड़ते हैं भगवान के पास आ, वो शक्ति है पकड़ने की तो भगवान की शक्ति से हमारी इंद्रियों में वो शक्ति आती है कार्य करने की शक्ति आती है तो भगवान जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं तो प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं कि भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं होती है भगवान की इंद्रियां कैसी हैं भगवान की इंद्रिया बताई गई हैं कि अंगान यश सकल इंद्रिय वृत्तिमती उनके शरीर का प्रत्येक अंग सभी इंद्रियों का कार्य करता है भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग समस्त इंद्रियों का कार्य करता है आप समझ रहे भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग केवल इंद्रिय नहीं हम कहें भगवान के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करती है नहीं इंद्रियां तो केवल दस हैं पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रिया लेकिन भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है प्रत्येक अंग का मतलब है कि ये इस हिस्सा भी ये हिस्सा भी ये हिस्सा भी प्रत्येक हिस्सा भगवान के शरीर का प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है प्रत्येक इंद्रिय का मतलब है Earth... कि पांच प्रकार की कर्म इंद्रियाँ हैं जिनमें पकड़ने का भी कार्य है, है और बोलने का भी कार्य है चलने का भी कार्य है पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियाँ हैं स्वाद लेने का भी कार्य है सूंघने का कार्य है, है और स्पर्श करने का कार्य है और देखने का कार्य है सुनने का कार्य है ये सब कार्य जो है पाँचों कर्म पाँचों का के कार्य भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग करता है तो इसलिए बताया गया है सर्व इंद्रिय विवर्जित उनकी इंद्रिया हमारे जैसी नहीं है यानी भौतिक इंद्रियाँ नहीं है हमारी इंद्रियाँ भौतिक हैं हमारी जो इंद्रिया हैं ये भौतिक इंद्रियाँ हैं तो इनमें बहुत असुविधा है बहुत असुविधा है।, है क्या असुविधा है? है कि जब तक आंख के सामने कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक मैं नहीं देख सकता मेरी आंखों के सामने जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं नहीं देख सकता है, और मेरी आँखें यहाँ पर हैं है ना तो यहाँ पर नहीं देख सकता इधर नहीं देख सकता पीछे नहीं देख सकता तो कितनी सीमित है या दीवार के उस पार भी नहीं देख सकता मैं दीवार के उस पार भी नहीं देख सकता भगवान की जो इंद्रियां हैं ये भौतिक नहीं है इसका मतलब है भगवान की इंद्रिया सब कुछ देखती हैं अंदर भी बाहर भी सब कुछ देखती हैं है? और भगवान की देखने की शक्ति हर जगह है यहां से भी यहां भी यहां भी हर जगह प्रत्येक अंग भगवान का देखता है हर चीज देखते हैं भगवान और भूत भविष्य वर्तमान भी देखते हैं है? हम तो नहीं देख पाते भूत भविष्य वर्तमान हम नहीं देख पाते ये भगवान की जो देखने की शक्ति है वो इतनी है कि भूतकाल की बातें भी वो देखते हैं और वर्तमान काल की बातें देखते हैं और भविष्य काल की बातें भी देखते हैं तो इतनी जो है भगवान की शक्ति है इसलिए कहा गया कि उनकी इंद्रिया नहीं है हमारे जैसी इंद्रिया नहीं है ना हमारे जैसी इंद्रिया नहीं है क्योंकि तो हमारी इंद्रिय कैसी है ये आँख से ही हम हा? देख सकते हैं आँख के अलावा दूसरे हिस्से से हम नहीं देख सकते है ना और बहुत सीमित है छोटा छोटी चीज नहीं देख पाते है कि नहीं बहुत से जीव हवा में उड़ रहे हैं हमारे श्वास के द्वारा अंदर जा रहे हैं ये हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दूर की चीज भी नहीं देख सकते है ना? तो हमारी इंद्रियाँ बहुत सीमित हैं भौतिक हैं तो भगवान के लिए कहा गया है कि उनकी इंद्रिय नहीं है लेकिन वो इंद्रियों के सब कार्य करते हैं तो यहाँ प्रभुपा लिखते हैं वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियाँ होती हैं लेकिन बद्ध जीवन में भी भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं प्रो क्या बता रहे हैं जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियाँ हैं हमारी भी इंद्रियाँ आध्यात्मिक हैं लेकिन चूंकि हमने भगवान की सेवा छोड़ दी इसलिए हमारी इंद्रियों में अब क्या हो गया है ये प्रकृति भौतिक तत्व भौतिक तत्व से आच्छादित हो गई हैं भौतिक तत्वों से आच्छादित जैसे भौतिक तत्व से आच्छादित हो गई जैसे हाँ आँख की देखने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो फिर हमें चश्मा आँख की देखने की शक्ति घट जाती है तो चश्मा लगाते हैं हम चश्मा क्यों लगाया हमने चश्मा के बिना हम नहीं देख पाते है ना उसी प्रकार से भौतिक तत्व क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ये भगवान की सेवा के लिए होती हैं जब हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं तो वो जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो फिर काम नहीं करती इसलिए भौतिक तत्व जो है उनके ऊपर उनका लेप चढ़ जाता है काम करने के लिए अब हम भोगना चाहते हैं अपनी इंद्रियों को तो भौतिक तत्वों का लेप चढ़ गया है तो भगवान के वो भौतिक इंद्रियां नहीं हैं जैसे पैर अगर टूट जाता है किसी का तो फिर लकड़ी का पैर लगाया जाता है है ना तो वो अच्छी हालत थोड़ी है किसी का पैर टूट जाए तो लकड़ी के पैर से उसका असली पैर का, का काम नहीं हो सकता ना? तो ये है ना बहुत कष्ट की स्थिति है हम जीवों को जो है ये जो इंद्रियाँ मिली हैं ये क्यों मिली है आध्यात्मिक इंद्रियाँ हमारी क्या हो गई हैं कार्य काम नहीं कर रही इसलिए भौतिक तत्वों का उनमें लेप चढ़ गया है जिससे कि कुछ 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 हम जो है कर पाते हैं तो भगवान में वो चीज़ नहीं है, है? मतलब क्या है कि भगवान की इंद्रियों में भौतिकता नहीं है है ना आगे पर लिखते हैं वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट पदार्थ द्वारा होता है पदार्थ द्वारा होता है, है? जैसे चश्मा है तो चश्मा की मना मैं नहीं देख पा रहा हूं उसी प्रकार से ये आँख में भी जो है पर्दा लगाया गया है उसको रेटिना बोलते हैं है ना तो ये सब जो आंख का जो गोलक है ये हमको भौतिक शरीर में मिला है जैसे कि हम देख पाए नहीं तो हम नहीं देख पाते तो हमारी आध्यात्मिक इंद्रिय कार्य नहीं कर रही उसी प्रकार से कान की जो है जैसे कान सुनने की शक्ति नहीं रहती है तो मशीन लगाई जाती कान में सुनने के लिए उसी प्रकार से ये कान भी जो है हमें जो मिले हैं सुनने के लिए क्योंकि हमारी आध्यात्मिक जो इंद्रिय है सुनने की हाँ वो काम नहीं कर रही सुनने की देखने की चलने की नहीं जिस भौतिक शरीर हमको जो मिला है ये हमारा आध्यात्मिक शरीर क्या हो गया है एकदम सिकुड़ चुका है बाल की नौ के दस हज़ार में हिस्से के बराबर हो गया है अब वो काम करने लायक नहीं है इसलिए हमको ये भौतिक शरीर मिला है तो हमारा आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियाँ ये सब क्या हो गए हैं इतने सिकुड़ गए हैं कि काम नहीं होता उनसे काम नहीं चल रहा है इसलिए हमको भौतिक शरीर मिलता है और उसमें भौतिक इंद्रिया प्राप्त होती हैं है यहाँ प्रभु पर लिखते हैं कि अति इंद्रिय कार्यों का इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है पदार्थ है? हमारी जो देखने की इंद्रिय है वो काम नहीं कर रही है इसलिए जो आँख का गोलक है आँख का जो गोलक है उसके द्वारा हम देख पा रहे हैं कान का कान का भी जो गोलक है इसके द्वारा हम सुन पाते हैं तो ये हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है तो ये एक मशीन है जो हमको मिली लगाई है सुनने की है ना? तो सभी इंद्रियाँ आध्यात्मिक इंद्रियाँ हैं वो हमारी क्या हो गई हैं काम नहीं कर रही इसलिए है ना आगे प्रूफ़ लिखते हैं परमेश्वर की इंद्रियाँ इस तरह आच्छादित नहीं रहती उनकी इंद्रियाँ दिव्य होती हैं अतएव निर्गुण कहलाती हैं गुण का अर्थ है, है भौतिक गुण लेकिन उनकी इंद्रियाँ भौतिक आवरण से रहित होती हैं ये समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियाँ हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं लेकिन उनकी इंद्रियाँ दिव्य होती हैं जो कलमश रहित होती हैं है ना तो प्रभुपात समझा रहे हैं है ना तो इसमें कुछ समझ आता है कि हाँ भगवान आ, में कुछ गुण है और नहीं तो कोई क्या सोचेगा सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि सभी इंद्रियों से रहे थे भगवान भगवान के पास कोई इंद्रिय नहीं है है ना तो क्या कहते हैं उनके हाथ नहीं हैं उनके पैर नहीं हैं उनके कान नहीं हैं उनकी आँखें नहीं हैं इस तरह से जब आ, लोग वर्णन करते हैं भगवान का तो वो भगवान का अपमान होता है भगवान की निंदा होती है ये भगवान की निंदा है ना कोई कहे कि उनके आँखें नहीं है उनके हाथ नहीं है उनके पैर नहीं है है ना अगर मैं आपको कहूँ कि आपके हाथ, आपके, तो आपको आपके, आपके हाथ नहीं है आपके पैर नहीं है तो आपको बुरा लगेगा ना लेकिन नहीं है भाई साहब आपके आँखें नहीं हैं आपके हाथ नहीं हैं आपके पैर नहीं हैं तो बुरा लगता है ना है तो जिन भगवान ने आ? सब जीवों को आँखें दी हैं हाथ दिए हैं पैर दिए हैं उनको कहा जाए कि उनके आंखें नहीं हैं उनके हाथ नहीं उनके पैर नहीं हैं कितना गलत है, है? तो प्रभुपद समझा रहे हैं कि जब भगवान कह रहे हैं कि कोई इंद्रिया उनके पास नहीं है तो प्रभुपाद क्या समझा रहे कि उनके इंद्रिया हमारी तरह भौतिक इंद्रिया नहीं है ना क्योंकि पिछले स्टोक में बताया गया था कि सर्वथा श्रुतिम लोगे सब ओर से उनके कान हैं सब सब स्थान में उनके हाथ हैं सब स्थानों में उनके पैर हैं सभी स्थानों में उनके नेत्र हैं ना। तो इसलिए समझना पड़ेगा आगे प्रभु लिखते हैं इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या उपनिषद में तीन उन्नीस अपानी पादो जबनो ग्रहीता इस लोक में हुई है भगवान के हाथ भौतिक कलमश से ग्रस्त नहीं होते। तो हमारे हाथ में क्या है भौतिक कलमश है Hmm? तो कभी पकड़ पाते हैं और कभी नहीं पकड़ पाते हैं और कोई मतलब अगर हो जाए कुछ है हां? तो क्या हो जाएगा हाथ जड़ हो जाएगा स्तंभित हो जाएगा है ना पैरलाइज हो जाएगा तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे है कि नहीं जैसे इंद्र को इंद्र को बहुत गर्व है इंद्र के द्वारा ही सब प्राणियों के हाथों में शक्ति आती है इंद्र को बहुत गर्व है कि मेरी शक्ति से सब प्राणियों के हाथों में शक्ति आती है है ना? और इंद्र ने क्या किया जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किया तो वर्षा से रक्षा हो गई तो इंद्र ने क्या सोचा कि कृष्ण की शक्ति तो बड़ी शक्ति है कि पर्वत उठा लिया लेकिन मेरे पास क्या शक्ति है पर्वत को चूर्ण करने की शक्ति मेरे पास मेरे पास वज्र है इंद्र ने क्या सोचा न? अरे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि पर्वत उठा लिया तो मेरे पास क्या शक्ति है वज्र के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ पर्वत को चूर्ण कर सकता हूँ तो उसने क्या किया अपना वज्र लिया गोवर्धन पर्वत को चूर्ण बनाने के लिए और कृष्ण ने क्या किया हाथ उसका स्तंभित कर दिया अब चलाओ वज्र उसने ऐसे किया हाथ उसका स्तंभित हो गया भागे इंद्र भागे आ? अरे बहुत खतरा है तो बहुत खतरा हो गया बहुत बड़ा खतरा हो गया सब बादल भागे आ? कि बहुत खतरा है बहुत खतरा है वर्षा एकदम बंद हो गई सब भागे <laughs> तो हमारे हाथ क्या है, है? तो कृष्ण अगर जो है हमारे हाथ की शक्ति ले रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे हम हिला भी नहीं पाएंगे हमारे जो है आँखों में देखने की शक्ति आती है सूर्य के द्वारा इस सूर्य को भी शक्ति भगवान से आई है सूर्य भगवान का नेत्र है तो सूर्य के द्वारा हमें देखने की शक्ति प्राप्त होती है लेकिन सूर्य में जो शक्ति आ रही है वो भगवान के नेत्र से आ रही है और भगवान अगर जो है वो शक्ति ले रहे हैं तो सूर्य के अंदर कुछ भी शक्ति नहीं देगी तो तेजो विधि मामकम जो भी सूर्य में तेज है वो तो मेरा तेज है तो भगवान जो है मतलब भगवान की इंद्रियों में भौतिक कलमस नहीं है भगवान की इंद्रियों में भौतिक कलमस नहीं है भगवान की इंद्रियों में कोई बाधा नहीं डाल सकता कि किसी भी प्रकार की बाधा है भगवान को देखने में या भगवान को पकड़ने में भगवान किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आ सकती क्योंकि उनकी इंद्रियां सब दिव्य हैं लेकिन जितने भी देवता हैं उनके प्रत्येक कार्य में बाधा आ सकती है क्योंकि सब भौतिक कलमश से ग्रस्त हैं सभी अग्नि में जलाने की शक्ति है अग्नि में जलाने की शक्ति है अग्नि को बहुत गर्व है कि मेरे अंदर जलाने की शक्ति है और हमारे अंदर जो है मुख में आग होती है वो अग्नि से ही आ रही है हमारे मुख में जैसे कि हम खा पाते हैं और जो है वो पेट में जाता है तो कुछ आग है हमारे मुख में है ना तो ये, इन अग्नि देवता से आ रही है हमारे मुख में वो आ, आग लेकिन अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो कृष्ण से आ रही है और कृष्ण अगर ले रहे हैं तो अग्नि जला नहीं सकते एक तिनका कम ही जला सकते हैं अग्नि है ना अग्नि में एक का को जलाने की भी शक्ति नहीं है उसी प्रकार से हवा पवन देवता है तो हम श्वास लेते हैं तो पवन देवता की शक्ति से हम श्वास ले पाते हैं तो पवन देवता को घमंड है कि देखो मेरी शक्ति से ही सब लोग श्वास ले रहे हैं है? लेकिन वो पवन देवता जो है अगर भगवान की शक्ति ना हो तो वो एक तिनके को भी नहीं उड़ा सकते एक तिनका भी नहीं उड़ा पाएंगे पवन देवता तो जितने भी देवता हैं है ना तो उनकी शक्ति जो है भगवान से आ रही है और भगवान अगर ले लेंगे तो वे कुछ भी नहीं काम करवाए कुछ नहीं कर सकते है ना यहाँ ऊपर लिखते हैं कि भगवान के हाथ भौतिक कलमसों से ग्रस्त नहीं होते अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं आप कहीं भी अर्पित करें आप कहीं भी अर्पित करते हैं, हैं? तो भगवान ग्रहण कर सकते हैं दूर से भी ग्रहण कर सकते हैं भगवान है ना? तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि भक्त लोग जो है भगवान को दूर से अर्पण करते हैं और दूर से ही भगवान खा लेते हैं और वो संकेत भी मिलते हैं ऐसे कि हाँ भगवान ने खाया कई तो बार भगवान अपने संकेत भी दे देते हैं हाँ मैंने खाया है तो ये जो है आगे पढ़ू पढ़ते हैं बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है उनके भौतिक नेत्र नहीं होते फिर भी उनके नेत्र होते हैं अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं वे सब कुछ देखते हैं भूत वर्तमान तथा भविष्य वे जीवों के हृदय में बास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है भगवान जो है तीनों कालों की बात देखते हैं इसकी पुष्टि गीता में हुई है वे सब कुछ जानते हैं किन्तु उन्हें कोई नहीं जानता गीता में भगवान ने कहा है वेदा हम सम्मती वर्तमान चार्जु ने च भूतानी माम तो वेदना कश्चन कि मैं सबको जानता हूं वेदा हम समतानी मतलब पहले है? आप क्या थे भगवान जानते हैं वर्तमान यानी इस समय क्या है आप भगवान जानते हैं और भविष्यवाणी भविष्य में आप क्या होंगे वो भी भगवान जानते हैं। लेकिन माम तो वेदना कष्ट है ये मुझे कोई नहीं जानता भगवान कोई नहीं जानता तो आगे प्रूपा लिखते हैं कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं लेकिन भी आकाश में विचरण कर सकते हैं तो उसको समझना है कि हम हम, ही हम अगर कहते हैं उनके पांव नहीं है तो समझना पड़ेगा कि उनके पाँव नहीं हैं कैसे पांव नहीं हैं हमारे जैसे पांव नहीं हैं हमारे पांव बहुत सीमित हैं हमारे पैर बहुत सीमित हैं हम आकाश में चल सकते हम पानी में नहीं चल सकते हैं और थोड़ा सा कांटा लग जाए तो मुश्किल है चलना है ना? और रास्ते में थोड़ा गड्ढा पड़ जाए तो मुश्किल है पार करना मुश्किल है तो इस तरह से हमारी इंद्रियों में ऐसा जो है कमियां हैं जो कि भगवान के अंदर नहीं है आगे प्रॉपर लिखते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाव होते हैं इसलिए आकाश में विचरण कर सकते हैं दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है निराकार नहीं है अब इस श्लोक से जो है लोग क्या सोचते हैं भगवान निराकार है जो वर्णन हुआ है इस श्लोक से तो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार है ये प्रभुपात कहते हैं भगवान निराकार नहीं है उनके अपने नेत्र अपने पाँव अपने हाथ सभी कुछ होते हैं और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं लेकिन उनके हाथ पाँव नेत्र तथा तो अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमसग्रस्त ग्रस्त नहीं होती हैं और हम भी जो है अगर भगवान के धाम में जाएंगे तो हमारी इंद्रियाँ भी दिव्य हो जाएंगी हम भगवान के धाम में अगर जाते हैं तो हमारी इंद्रियाँ भी दिव्य हो जाती हैं ये हमें हमारा जो है यह भौतिक शरीर नहीं होता हमारा आध्यात्मिक शरीर होता है हमारी इंद्रिया भी आध्यात्मिक होती हैं इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं इस जीवन काल में अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं तो हमारी इंद्रियों का जो भौतिक कलमस है वो दूर होने लगता है तो फिर हम भी जो है कुछ देख पाते हैं हम भगवान को देख पाते हैं भगवान को समझ पाते हैं अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा जाए तो इंद्रियों के द्वारा हम फिर भगवान की अनुभूति कर पाएंगे हम सुन भी पाएंगे हम देख भी पाएंगे हम छू भी पाएंगे भगवान को आगे पर पढ़ते हैं गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से इत्था रूप में प्रकट होते हैं क्या बताते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं भगवान का जो अवतार होता है तो ये अवतार ऐसा नहीं है कि वो निराकार से साकार हुए है? तो ये तो बहुत गलत विचार फैला हुआ है ना क्या फैला हुआ है गलत विचार कि जो भगवान का अवतार होता है ये कैसे होता है निराकार से साकार हो जाता है तो उनका कहना है कि भाई साकार जो होता है वो तो भौतिक शरीर होता है उनका और निराकार उनका जो है वो शुद्ध है जिसमें कोई आकार नहीं है वो शुद्ध है निराकार जब साकार होते हैं तो भगवान का जो है वो शरीर अशुद्ध होता है गलत विचार है।, है क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं जैसे हैं वैसे ही भगवान आते हैं उनके शरीर में भौतिकता नहीं होती उनका शरीर हमारी तरह भौतिक नहीं होता है जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी भगवान भागवा, भगवान के शरीर में नहीं होता भगवान के शरीर में खून मांस हड्डी मल मूत्र ये सब नहीं होते है ना भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमस ग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है क्या कहा गया है सच्चिदानंद विग्रह उनका पूरा शरीर क्या है सचित आनंद हमारा शरीर क्या है असत अचित निरानंद भौतिक शरीर है असत है अचित है निरानंद है। असत का मतलब है नष्ट होने वाला है अचित का मतलब है अज्ञान से भरा है निरांद बहुत कष्ट है है ना? और भगवान का शरीर सचिद आनंद है सत का मतलब कभी मृत्यु नहीं होती है और चित का मतलब संपूर्ण ज्ञान है और आनंद सब प्रकार के रस है ना? तो भगवान का शरीर क्या है आध्यात्मिक है उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है समस्त ऐश्वर्य छह प्रकार के संपूर्ण धन संपूर्ण बल संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण वैराग्य संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य है ना तो प्रभु पर लिखते हैं वे सर्वाधिक बुद्धिमान नहीं वे सारी संपत्ति के स्वामी हा वो धन संपूर्ण धन सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं यानी बल वे सर्वाधिक बुद्धिमान और तथा ज्ञान से पूर्ण है ज्ञान है आगे ये भगवान के कुछ लक्षण हैं कुछ लक्षण प्रभुपात ने तीन लक्षण बताए जबकि कुल मिला के कितने हैं छः ये समस्त वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं जो कहा गया सर्वभृत सबका पालन करने वाले हैं आगे। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है परमेश्वर सदैव दिव्य हैं यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं देखते लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पत्थक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं कलमस इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते अतव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं तो प्रभुपात निर्विशेषवादियों का खंडन कर रहे हैं निर्विशेषवादी का मतलब है ये भगवान को निर्विशेष समझते हैं निराकार है ना? तो भगवान निराकार नहीं है यहाँ प्रभुपात का तात्पर्य समाप्त हुआ अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा या मैं प्रश्न करूं हाँ जी जैसा कि इस श्लोक में वर्णन है तो इससे भ्रमित भी हो, होते हैं जैसे इस श्लोक से तो ये श्लोक जरूरी होना चाहिए था क्या श्लोक भगवान ने जो श्लोक बोला है तो भगवान ने बहुत सरल तरीके से समझाया भगवान ने जो कोई भी समझाया है वो बहुत ही सरल तरीके से समझाया है लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्यों क्योंकि लोगों ने पहले से गलत व्याख्या कर दी जो हमारे दिमाग में घुस गई तो ये जो है आ, कुछ गलत प्रभाव पहले से डाला गया है पहले से आपने अनुवाद पढ़ा है जो गलत है इन आप पढ़ चुके वो अनुवाद चूँकि आपने पढ़ लिया गलत अनुवाद पहले से पढ़ लिया आपके दिमाग में वो गलत विचार आ गया लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी प्रभुपात के जो है शब्दों को पढ़ रहे हैं पहली बार तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं वो तो कहते हैं बिल्कुल सरल है बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन इस समय जो है हम लोगों ने चूंकि मायावादी से पढ़ा इसलिए हमारा क्या हो गया है सर्वनाश मायावादी भाष सुन ले हो सर्वनाश चतन्य महाप्रण का तो सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वो विचार ही गलत विचार है गलत व्याख्या है, है गलत अर्थ है वो दिमाग में घुस गया है तो वो सर्वनाश कर देता है तो नहीं तो वैसे भगवान के जो शब्द हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं और जो व्यक्ति ये मायावादी व्याख्या नहीं पढ़ता है नहीं समझता है वो खाली श्लोक ही पढ़ता है तो उसमें भी उसको जो है पूरा लाभ मिलता है गीता के श्लोकों में इतनी शक्ति है अगर किसी ने मायावादी अगर अनुवाद नहीं पढ़ा है तो, तो अगर अर्थ ना भी समझे और गीता के श्लोकों का पाठ करे उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है जैसे कि एक रंगम में एक ब्राह्मण था तो वो इस श्लोकों को नहीं समझता था लेकिन उसको केवल इतनी याद आता था कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं और कितने भगवान जो है दयालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं कितना बड़ा उनका गुण है कि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के अर्जुन का रथ चला रहे हैं और गीता का पूरा पाठ करता था गीता का पूरा पाठ करता था और उसके शरीर में क्या होता था रोमांच होता था बातें नहीं, बात नहीं आपस में कोई बात नहीं करेगा तो उससे क्या है कि साक्षात भगवान ने उसका आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु आए और उसको समझ में भी आ गया कि जिन भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है वही भगवान मेरे सामने आ गए हैं और मेरे से बातें कर रहे हैं तो गीता के श्लोकों में मतलब पूरी शक्ति है भगवान की पूरी शक्ति है लेकिन किसी ने अगर मायावादी भाषा नहीं सुना तो केवल उच्चारण मात्र से ही आ, उसमें बहुत शुद्धि आती है क्योंकि तो बहुत शुद्ध हैं ये गीता का एक एक श्लोक अपने आप में बहुत शुद्ध है बहुत पवित्र है उसमें आप कुछ भी आ, अगर काटाकूटी करते हैं तो समझो कि आपने मतलब भगवान के शरीर में ही मतलब कर दिया घाव बना दिया गीता के श्लोक जो है बताए गए हैं अठारह अध्याय हैं कैसे हैं वक्त्राणे पंच जाने ही पंचाध्याय अनुक्रमात् पाँच अध्याय भगवान के पाँच मुख हैं दसाध्याया भुजाश्चय कम अगले दस अध्याय यानी छठवें से लेकर के पंद्रह तक दस भुजाएँ उधरम और सोलवा अध्याय उधर है और दो अध्याय सत्रहवें और अठारहवें अध्याय उनके दो चरण हैं वक्त्राणे पंच जाने ही पंचाध्यायन अनुक्रमात् दशाध्याया भुजाशकम उत्तरम द्वे पदाम् मुझे एवं अष्टादशाध्यायी वांग मई मूर्तिरेश्वरी ये अष्ट अठारह अध्याय वाली भगवान की मूर्ति है ये अठारह अध्याय वांग मई मूर्तिरेश्वरी जाने ही ज्ञान मात्रेण नाशनी तो ज्ञान मात्र से ही महापाप नष्ट करती है इनमें इतनी शक्ति है कि बोलने मात्र से सुनने मात्र से ही ये पवित्र करते हैं ये श्लोक इतने पवित्र हैं कि पहले हम आपको बताते नहीं हैं कि श्लोक का अर्थ क्या है केवल दोहराते हैं कि आप सुनिए और सुनाइए भागवतम का श्लोक और भगवत गीता का श्लोक पहले नहीं बताया जाता कि अर्थ क्या है तो आप कहेंगे भाई बिना अर्थ के हम क्यों पढ़ें हम अर्थ तो समझ नहीं रहे हम क्यों पढ़े इनमें इतनी शक्ति इतनी पवित्र है ये कि सुनने मात्र से उच्चारण करने मात्र से आपकी चेतना पवित्र होती है इतनी शक्ति है तो भगवान के मुख से निकले शब्द हैं इनमें बहुत अर्थ भरा है लेकिन चेतना महाप्रभु पर उनका मायावादी भाष सुनने हो सर्वनाश मायावादी भाषा सुन लिया इसलिए गीता के श्लोकों का हमें जो है वो प्रभाव नहीं मिलता वो लाभ नहीं मिलता सर्वनाश हो जाता जिसने नहीं सुना है वो केवल ही जानता है कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं अगर इतना ही वो जानता है कि कृष्ण है परमेश्वर हैं है? अर्जुन का रथ चलाने वाले हैं है? तो वो सब कुछ जानता है इसलिए वो ब्राह्मण जो पूरी गीता का पाठ करता था तो वो कुछ भी नहीं समझ रहा था अर्थ क्या है और कई अशुद्ध उच्चारण भी कर रहा था है ना और लोग देख के हंस भी हंसते थे कि देखो इसको पढ़ना आता नहीं है अशुद्ध पाठ करता है, है? दिखावा कर रहा है कि मैं गीता पाठ कर रहा हूँ लेकिन वो रोता था वो गीता का पाठ करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते थे शरीर रोमांचित होता था शरीर में कंपन आता था है? तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि गीता के किस अर्थ पर विचार करके आपको इतना आनंद आता है तो वो बोला कि मैं तो समझता नहीं हूँ मैं तो गीता के अर्थ को समझता नहीं हूँ मेरे गुरु जी ने केवल आदेश दिया है कि पूरी गीता का पाठ किया करो तो सो अठारह अध्याय पूरे गीता का मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे केवल इतना ही समझ नहीं आता है कि कृष्ण अर्जुन के हैं और असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं कितना बड़ा आश्चर्य है तो चेतन महाप्रभु क्या बोले कि तुम गीता को समझ रहे तुम गीता को समझते हो तुम गीता को पूरा समझते हो चेतन महाप्रभु का अगर आप इतना समझ गए तो आप गीता को पूरा समझ गए कितना बड़ा आश्चर्य है असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण है अर्जुन का चला रहे हैं इस आश्चर्य में उसका जो है शरीर रोमांचित हो रहा है और पाठ कर रहा है और भगवान स्वयं जो चेतन महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण है उन्होंने उसका आलिंगन किया गीता का पाठ अठारह अध्याय पढ़ने का ये परिणाम है साक्षात भगवान प्राप्त हो गए है ना तो सबसे बड़ा जो जो नुकसान होता है वो मायावादी टीकाओं से हो रहा है मायावादी टीकाओं में क्या जब ये विचार आपके दिमाग में आ गया कि भगवान का जो रूप है वो तो भौतिक है निराकार जो है आध्यात्मिक है भगवान जो निराकार है वो आध्यात्मिक है भगवान का जो साकार रूप है वो भौतिक है तो इसने आप इतना मतलब दूषित कर दिया है कि अब गीता का पाठ करने से आपको लाभ नहीं हो रहा है अब आप तो आपको तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे आपको और आपका जो है वो जो दोष है जो मायावादी जो दोष है वो आपको निकालना पड़ेगा तात्पर्यों की जरूरत है क्योंकि तात्पर्यों के बिना आप जो है लाभ नहीं उठा सकते मायावादी टीकाओं के कारण ही यह प्रभुपाद के तात्पर्यों की आवश्यकता पड़ रही है धन्यवाद ग्रंथरा श्रीमद भगवद गीता की जय जगद गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौणताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो